बिहार में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस बार नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके रजौली की रहने वाली सान्या कुमारी ने राज्य भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। सान्या प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। सान्या को 500 में से 486 अंक हासिल हुए हैं। हालांकि रिजल्ट देखकर सान्या थोड़ी मायूस हैं। उनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि परीक्षा में वो बेहतरीन उपलब्धि हासिल करेंगे। सान्या ने बताया कि उन्हें मैथ्स में 4 अंक कम मिले हैं। चार भाई बहनों में सबसे छोटी सान्या की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। सान्या के पिता उदय प्रसाद रजौली में मिठाई की दुकान चलाते हैं, तो वहीं सान्या की मां का नाम है किरण देवी। सान्या का एक भाई और 3 बहनें हैं। सान्या ने बताया कि रजौली में ही प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, फिर प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय रजौली से मैट्रिक की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। अपनी इतनी बड़ी सफलता का श्रेय सान्या ने अपने पूरे परिवार को दिया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई में आसपास के लोगों ने भी उनकी काफ़ी मदद की। बेटी की इतनी बड़ी सफलता पर खुशी जताते हुए सान्या के पिता ने कहा, बेटी आगे जो चाहती है वो करे। आपको बता दें, सान्या का सपना डॉक्टर बनने का है। बता दें कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 16,48,000 छात्र शामिल हुए थे। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी। पूरे प्रदेश में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन मोतिहारी ज़िले में प्रथम पाली में गणित की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद 24 मार्च को 25 सेंटर्स पर मैट्रिक की फिर से परीक्षा आयोजित की गई। री एग्ज़ाम में 19,628 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।